Hello friends, this is Rahul. Welcome back to CAD Styler's SolidWorks tutorial series. So friends, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वीप बॉस और स्वीप कट की, किस तरह से हम स्वीप बॉस करते हैं और स्वीप कट किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस ट्यूटोरियल को। सो यहाँ से हम कंट्रोल एन करेंगे, ओके। सो यहाँ से प्लेन पिक करेंगे, स्केच मोड में ऑन कर लेंगे प्लेन को, और यहाँ से हम एक स्प्लाइन पिक करेंगे। स्प्लाइन को हम दो तरीके से बनाएंगे, एक तो विद द रेफरेंस ऑफ ओरिजिन, ठीक है, और विदाउट द रेफरेंस ऑफ ओरिजिन। तो दोनों केसेस में हम किस तरह से स्वीप बनाते हैं वो देखते हैं, दोनों में काफी डिफरेंस है। तो इस तरह से हम इसे ओके कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे प्लेन चूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको प्रोफाइल किस तरह की चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे प्लेन चूज कर सकते हैं, ओके। सो दोनों के केसेस में अगर आप यहाँ पे जैसे फ्रंट प्लेन पे तो आपने ये पाथ जनरेट किया है, ठीक है। अब मुझे कोई प्रोफाइल चाहिए। सो प्रोफाइल अगर आप यहाँ पे प्लेन राइट पे बनाएंगे या टॉप पे बनाएंगे तो दोनों केसेस में आपकी प्रोफाइल जो है वो डिफरेंट बनेगी, ओके। सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टॉप प्लेन पे बना के दिखाता हूँ। मेरे पास यहाँ पे सर्कुलर प्रोफाइल है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे डाई डिफाइन नहीं किया हुआ, मैं इसको रफली बना रहा हूँ, ओके। नाउ यहाँ पे स्वीप पिक करेंगे और मेरे पास यहाँ पे प्रोफाइल आ रही है, देन उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है आपसे पाथ। सो आप पाथ सिलेक्ट करेंगे। सो ये जो स्वीप आ रही है आपकी किस केस में आ रही है, जब हम स्केचेस से प्रोफाइल बना रहे हैं, ओके। अगर आपको सर्कुलर प्रोफाइल चाहिए तो जैसे मैंने यहाँ पे डाया डिफाइन नहीं किया हुआ तो आप सर्कुलर को यहाँ पे डिफाइन भी कर सकते हैं। लाइक मुझे यहाँ पे 30 mm का डाया चाहिए तो इसको आप इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं, ओके। सो सर्कुलर प्रोफाइल जो है आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको सर्कुलर प्रोफाइल चाहिए तो आपको सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, ओके। और इसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है थिन फीचर की। मान लीजिए इसके अंदर आपने होलो करना है इसे और इसकी वॉल को थिकनेस देनी है। सो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं 2 mm की थिकनेस दे रहा हूँ, तो देख सकते हैं आप इसकी थिकनेस भी आ रही है, डायरेक्शन भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। वन डायरेक्शन आ रही है, मिड प्लेन आ रहा है, ठीक है। आपका जो प्रोफाइल है वो दोनों सेंटर से डिवाइड हो जाएगा, जैसे मैंने आपको एक्सट्रूड में दिखाया था उसी तरह से ये हो जाएगा। और टू डायरेक्शन में करेंगे तो ये दोनों तरफ ही चला जाएगा। अब दोनों तरफ में वैल्यूज अलग अलग दे सकते हैं, ठीक है। एक साइड में अगर आप 2 देना चाहते हैं 2 दे सकते हैं, एक साइड में 1 देना चाहते हैं 1 दे सकते हैं, अगर दोनों में सेम रखना चाहते हैं सेम भी रख सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से आप ये तीनों डायरेक्शन को और थिन फीचर को यूज कर सकते हैं। सो इसको ओके करके देखते हैं किस तरह से आपकी प्रोफाइल जनरेट हो जाती है, ये देखिए। सो ये सर्कल देखो मेरा यूजलेस रहा, मुझे इसको बनाने की जरूरत नहीं है अगर आपको इस तरह की प्रोफाइल चाहिए, ओके। बट ये स्केच हमारा कहाँ यूज होगा, जब मुझे सर्कुलर प्रोफाइल नहीं चाहिए। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, लाइक मुझे ये पॉलीगन चाहिए, ठीक है। सो मैं इस सर्कल को डिलीट कर लूंगा और ओके कर लेते हैं इसे। तो इस तरह से हम इसे स्वीप कर लेंगे अगेन, पाथ आपके पास ये आ रहा है। तो आप देख सकते हैं मेरी जो प्रोफाइल है वो ज्यादा ही बड़ी है और यहाँ पे ये आपको प्रीव्यू नहीं दिखा रहा है, ठीक है। प्रीव्यू इसलिए नहीं दिखा रहा बिकॉज बेंड्स कम है और प्रोफाइल जो है उसका साइज बड़ा है। सो हम यहाँ पे इसे एडिट करेंगे। तो इसको हम ऑफसेट कर लेते हैं, लाइक मैं इसे 5 mm ऑफसेट कर लेता हूँ और इनसाइड, तो ये प्रोफाइल सही रहेगी हमारे लिए। और बाहर वाली जो प्रोफाइल है उसे आप डिलीट कर दीजिए, ओके। देन अगेन स्वीप, पाथ आ जाएगा हमारे पास। तो आप देख सकते हैं ये प्रीव्यू दिखा रहा है और ये अलाउ कर रहा है इसको जनरेट करने के लिए, ठीक है। एक तो हमारे पास ये प्रोफाइल बन गई, ठीक है। अब वहां पे जब हमने सर्कुलर प्रोफाइल बनाई थी एक ऑप्शन नहीं थी वहां पे, लाइक हमारे पास गाइड गर्ल्स भी आ रहे हैं। अगर आपके पास गाइड गर्ल्स हैं तो आप वो भी जनरेट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको लॉफ्ट और बाउंड्री बॉस में भी दिखाया था। तो गाइड गर्ल्स आप यहाँ पे भी बना सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप इसकी प्रोफाइल को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, फॉलो पाथ और कीप नॉर्मल कॉन्स्टेंट। सो अगर आप इसको करोगे तो
इट मींस ये पाथ के अकॉर्डिंग ये नॉर्मल जाएगा, नॉर्मल मींस 90 डिग्री पे। सो वो हमें नहीं चाहिए तो हम पाथ को ही फॉलो रखते हैं यहाँ पे। और कह रहे हैं प्रोफाइल ट्विस्ट, प्रोफाइल ट्विस्ट में क्या ऑप्शन आ रही है आपके पास? एक ऑप्शन आ रही है स्पेसिफाई ट्विस्ट वैल्यू, स्पेसिफाई डायरेक्शन वेक्टर और टेंजेंट टू द एडजेसेंट फेसेस। सो हमारे पास यहाँ पे फेस भी नहीं है और हमारे पास यहाँ पे वेक्टर भी नहीं है, तो हम यहाँ पे स्पेसिफाई ट्विस्ट वैल्यू दे देते हैं। सो यहाँ पे पूछ रहा है आपके पास डिग्रीज, रेडियंस और रेवोल्यूशंस। तो अगर आपके पास ये तीनों में से कोई भी वैल्यू अवेलेबल है तो आप वो वैल्यू यहाँ पे फिल कर सकते हैं। लाइक मैं अगर डिग्रीज यहाँ पे दे देता हूँ तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 100 डिग्री दे रहा हूँ, देख सकते हैं आप हल्का सा इसने ट्विस्ट दिखाया है यहाँ पे। मैं यहाँ पे 300 वैल्यू दे देता हूँ तो आप देख सकते हैं ये और थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं आप, ये देखिए प्रोफाइल थोड़ी सी ट्विस्ट हुई है। मैं इस तरह से इसको 600 वैल्यू दे दूं तो और ज्यादा ट्विस्ट हो जाएगा। लाइक मैं यहाँ पे 1000 वैल्यू दे दूं और ज्यादा ट्विस्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप इस प्रोफाइल को जनरेट कर सकते हैं। देन इसमें अगर हमें मान लीजिए यहाँ पे वॉल की थिकनेस देनी है, यहाँ स्वीप कट करना है, तो स्वीप कट किस तरह से करेंगे? इस प्रोफाइल पे चले जाऊंगा मैं और इसे मैं कन्वर्ट एंटिटीज कर देता हूँ और यहाँ पे इसको ऑफसेट कर देता हूँ, बिकॉज मुझे जो प्रोफाइल है इसी फेस पे चाहिए। तो मैं इसे 2 mm की थिकनेस दे देता हूँ और यहाँ से मैं इसे इस तरह से क्रिएट कर लूंगा। और जो मुझे स्केच नहीं चाहिए उसे आप डिलीट कर सकते हैं। देन आपने क्या करना है, अभी स्वीप कट करना है। अब स्वीप कट के लिए मुझे पाथ तो मेरे पास है ही नहीं है, ठीक है, तो आप जो ऑलरेडी आपने स्वीप कर रखे है उसके पाथ को भी आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए तो आपको प्रीव्यू दिखा रहा है, इट मीन्स हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, ठीक है। सो इस तरह से फ्रेंड्स आप इसको स्वीप कट भी कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज और इम्पोर्टेंट है, लाइक मान लीजिए मैं यहाँ पे थिकनेस जो है वो कम रखना चाहता हूँ, तो मैं इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले डिलीट कर लेता हूँ प्रोफाइल को और थिक करूंगा। सो स्केच को एडिट करते हैं और इसी अगेन मैं इसको ऑफसेट कर देता हूँ, या फिर मैं इसकी वैल्यू जो है यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ। तो मैं मान लीजिए यहाँ पे 1 mm की थिकनेस दे दूँ। सो अगर मैं यहाँ पे प्रोफाइल जनरेट करूं, स्वीप कट और पाथ आपके पास कौन सा आ जाएगा, ये वाला, तो आप देख सकते हैं इसने प्रोफाइल तो मेरे को जनरेट कर दी बट यहाँ पे इसने कट भी कर दिया। मुझे चाहिए ये जो ट्विस्ट बॉडी है इसके साथ ही थिकनेस चाहिए, ठीक है, बट ये स्ट्रेट जा रहे, तो मैं स्वीप कट को भी ट्विस्ट कर सकता हूँ। एडिट कीजिए, ऑप्शन में चले जाइए और स्पेसिफाइड ट्विस्ट वैल्यू मैंने कितनी दी थी, 1000, सो मैं यहाँ पे 1000 वैल्यू दे देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे आप इसे ओके करेंगे, ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको इस तरह की प्रोफाइल आ रही है इट मीन्स आपका एरर कहाँ पे आ रहा है, आपकी जो प्रोफाइल जो आपने ट्विस्ट की थी, जो आपने स्वीप बोस किया था, तो आपने इस साइड से बोस किया था, ठीक है, बट जब हमने स्वीप कट किया तो हमने इस डायरेक्शन से किया, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ही आपको कट दिखाएगा ही दिखाएगा, ठीक है। सो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसे डिलीट करोगे और जो इसकी प्रोफाइल आ रही है इसको भी आप डिलीट कर दीजिए, तो सेम ही प्रोफाइल से आपने कट भी करना है। सो इसी प्रोफाइल पे हम स्केच क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे ऑफसेट इसे कर देते हैं इनसाइड डायरेक्शन पे, ठीक है, और इसकी वैल्यू हम जो है 1 mm रख लेते हैं क्योंकि हमें मिनिमम थिकनेस चाहिए थी, ठीक है। सो यहां से हमने एक स्केच क्रिएट कर लिया, देन स्वीप कट कर दीजिए और जो प्रोफाइल आएगी आपको यहां से मिल जाएगी, और इसके बाद आप यहाँ पे ट्विस्ट भी दे सकते हैं। ट्विस्ट वैल्यू हमारे पास, हमने स्वीप बॉस में कितनी दी थी, 1000 दी थी, और यहाँ पे भी आपको सेम ही वैल्यू रखनी है। तो आप देख सकते हैं ये प्रोफाइल बिल्कुल ओके आई है आपकी, ठीक है, तो दोनों तरह से एग्जैक्ट आ रहा है और यहाँ पे कट भी एक्स्ट्रा नहीं आए आपके पास, तो इट मीन हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। ओके, यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज और भी इम्पोर्टेंट है, लाइक मैं यहाँ पे न्यू विंडो ओपन कर लेता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में आपको प्रोफाइल जो दिखाई थी
वो यहां से जनरेट करके दिखाई दी। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे पाथ जो है इस तरह से लेके चल रहा हूं, ठीक है, और प्रोफाइल मान लीजिए मैं यहाँ पे इसी प्लेन पे बना रहा हूं, तो आपकी प्रोफाइल जो है वो डिफरेंट बनेगी। मान लीजिए मेरे पास यही एक प्रोफाइल है, इसे मैं नॉर्मल कर लेता हूँ और इसको मैं यहीं पे जनरेट कर रहा हूँ ओरिजिन पे। ओके, सो आप देख सकते हैं गैप कितना ज्यादा आ रहा है। तो इसे स्वीप करके देखते हैं, आपके पास प्रोफाइल ये आ रही है, पाथ ये आ रहा है, और आप देख सकते हैं जो आपकी प्रोफाइल है उसमें गैप आ जाएगा, बिकॉज उसने जो पाथ है वो यहाँ से पिक किया है, ठीक है ना। पाथ हमारा यहाँ पे है और ऑब्जेक्ट भी हमारा यहीं पे होना चाहिए, तो उसने एग्जैक्ट पाथ को फॉलो करना था, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं, बट आपको अगर एग्जैक्ट प्रोफाइल चाहिए तो आपको प्लेन लेना पड़ेगा न्यू। तो आप न्यू प्लेन किस तरह से क्रिएट करेंगे, वो भी इस फेस तक। सो देखिए टॉप प्लेन आ रहा है आपका, और रेफरेंस पे जाके आप प्लेन क्रिएट कीजिए, और यहाँ पे आपने क्या करना है, इस फर्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट करना। आप देख सकते हैं आपका जो प्लेन है वो क्रिएट हो जाएगा। तो आप यहां से जो भी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे वही आपकी पाथ पे स्वीप कर जाएगी, ठीक है। लाइक मान लीजिए मैं इसे कन्वर्ट ही कर रहा हूँ, मुझे यही प्रोफाइल चाहिए, सो ओके कर देते हैं, और इस प्रोफाइल को हम फॉलो करते हैं यहां से। तो ये मेरी प्रोफाइल और ये मेरा पाथ है, तो आप देख सकते हैं ये एग्जैक्ट पाथ के साथ मूव कर चुका है। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं, तो प्लेन इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो ये थी आज की स्वीप के केस में टिप। ओके सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके साथ एक और टॉपिक है, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक सर्कल है, सो मैंने यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट किया और इसका मैं डिस्टेंस कुछ भी रख लेता हूँ, मान लीजिए 110 ही रख लेते हैं। अब मुझे जो प्रोफाइल चाहिए, मान लीजिए मैं यही प्रोफाइल को इसमें मूव करना चाहता हूँ, तो ये प्रोफाइल क्या मूव कर जाएगी, नहीं करेगी, देखते हैं। सो आपके पास ये प्रोफाइल है और ये पाथ है, तो आप देख सकते हैं प्रीव्यू नहीं दिखा रहा, सो ये फॉलो नहीं करेगा। सो हमें इसके नॉर्मल टेंजेंट ही बनाना पड़ेगा। सो अगेन यहाँ पे एक प्लेन क्रिएट करेंगे विद द रेफरेंस ऑफ दिस प्लेन। सो मैं यहाँ पे इस प्लेन को सिलेक्ट करके एक प्लेन और क्रिएट कर रहा हूँ, और यहाँ पे इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लूंगा, तो आप देख सकते हैं सेंटर पे अगेन प्लेन आ गया, ठीक है। या फिर आप डिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है सेंटर तक का, तो वो डिस्टेंस भी आप फिल कर सकते हैं प्लेन में। सो मैं इसे नॉर्मल कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हम मान लीजिए प्रोफाइल बना रहे हैं ये वाली। तो आप देख सकते हो प्रोफाइल जो है यहाँ पे आई है, बट ये अभी भी गलत है, मुझे चाहिए थी यहाँ पे। तो अगेन एडिट करेंगे, और आपने जो फॉलो करना है इस एंड पॉइंट को फॉलो करना है, इसे आप डिलीट कर दीजिए। सो आपने जो फॉलो करना है वो एंड पॉइंट को फॉलो करना है ये। तो इस तरह से आपके पास प्रोफाइल आ रही है। देन अभी क्या करेंगे, स्वीप और पाथ, और इसमें अगर हम ट्विस्ट अप्लाई करें तो क्या ये ट्विस्ट वैल्यू देगा हमें, देखते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं, ये ट्विस्ट वैल्यू हमें नहीं दे रहा, बिकॉज ये पाथ हमारा क्लोज है, ठीक है, हमें पाथ चाहिए ओपन। सो हम क्या करेंगे, अगेन इस सर्कल को एडिट करेंगे और यहाँ पे एक वेंट क्रिएट करेंगे हल्का सा। मैंने एक रेक्टेंगल लिया यहाँ पे, जिसकी थिकनेस मेरे पास 0.5 mm है, और इसको मैं सेंटर लाइन के रेफरेंस से कंट्रोल दोनों स्केचेस को सिलेक्ट करोगे और थर्ड वन ये आ जाएगा आपके पास। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिमेट्री अप्लाई करेंगे, तो आप देख सकते हो बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे ट्रिम कर देंगे, तो इस तरह से जो आपके पास स्केचेस आ रहे हैं,
तो ये आपके पास प्रोफाइल आ जाएगी और इस तरह से आप इसे स्वीप करें तो पाथ आपके पास ये आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप ट्विस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो आप जो भी वैल्यू देंगे ये ट्विस्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ट्विस्ट वैल्यू दे रहा है मुझे, तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू लेके चलता हूँ और यहाँ पे 1000 वैल्यू दे देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये आपका जो है प्रोफाइल ट्विस्ट हो रहा है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इसे जनरेट कर सकते हैं। सो ट्विस्ट के केस में क्या है, आपके पास प्रोफाइल जो है वो ओपन रहनी चाहिए, तभी वो ट्विस्ट आपको अलाउ करेगा। ओके सो फ्रेंड्स, आज के लिए आपके पास दो टिप्स थी। एक तो आपने प्लेन किस तरह से क्रिएट करना है और आपको प्लेन कौन सा चूज करना है, तो प्लेन के अकॉर्डिंग ही आपकी जो प्रोफाइल है वो चेंज हो जाएगी। देन आपके पास ट्विस्ट वैल्यू के लिए प्रोफाइल जो है वो ओपन रहनी चाहिए, ठीक है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।